अच्छा मैंने कहा था कि हम पहले ग्राफ पढ़ेंगे फिर स्पेनिंग ट्री, तो चेंज करते हैं। सबसे पहले हैश टेबल्स पढ़ते हैं, क्योंकि हैश टेबल का टॉपिक ग्राफ और स्पेनिंग से थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टीचर की स्लाइड्स इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि उनकी स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा ही कुछ लिखा हुआ होता है, समझ नहीं आता है। तो बेसिकली मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुने। तो हैशिंग जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक क्या करता है, वो डेटा आइटम्स को स्टोर करता है और उस जो स्टोर हो गया होता है उसको रिट्रीव करता है। सही है, ये होती है हैशिंग। ठीक है, ये किसी भी चीज़ डेटा आइटम को स्टोर करना, स्टोर करके उसको रिट्रीव करना। ठीक है, अब आता है हैश टेबल। ठीक है, हैश टेबल बेसिकली है डेटा स्ट्रक्चर एक, ठीक है, जिसमें जो है हम ये सारे आइटम जो है स्टोर करवा रहे होते हैं, और फिर जो हम आइटम स्टोर करवा देते हैं उसको रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो जो स्टोर और रिट्रीव का काम होता है वो हैशिंग कहलाता है, और जो पूरा एक प्रोसीजर चल रहा होता है वो पूरा ही डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं हैश टेबल। अच्छा, हैश टेबल जो है वो हम तीन मेथड से करते हैं। ठीक है, एक होता है डिवीजन मेथड, एक होता है फोल्डिंग मेथड, एक होता है मिड स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये तीन होते हैं, या इन तीन के अलावा भी और होते होंगे। हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, और डिवीजन मेथड के अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमने कुछ और पढ़ा नहीं है, डिवीजन मेथड। अच्छा, व्हाइट बोर्ड ऑन करती हूँ मैं। अच्छा, डिवीजन मेथड का जो है वो एक होता है फॉर्मूला। ठीक है, डिवीजन मेथड का फॉर्मूला होता है एच यानी हैश के इज इक्वल्स टू आई, भी लगता है वो छोटा सा एक सबस्क्रिप्ट में आ जाता है ना आई, वो वाला आई होता है, और इक्वल्स टू के सबस्क्रिप्ट वाला आई, फिर मॉड एम। ठीक है, इसमें जो के है वो के क्या है, एम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली के जो है वो नंबर ऑफ कीज है। ठीक है, कीज क्या होता है, हमें जो है एक कुछ नंबर्स मिले हैं। ठीक है, 23, 10, 15, 9, इन सबको जो है हमें स्टोर करवाना है हैश टेबल में। ठीक है, हैश टेबल में हमें इनको स्टोर करवाना है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये कहलाते हैं कीज। ठीक है, ये कहलाते हैं कीज। अब जब हम एक वो बनाते हैं, एक हैश टेबल बनाते हैं, तो वो बेसिकली जो है एरे को यूज कर रहा होता है। ठीक है, एरे का सबको कॉन्सेप्ट पता है, एरे में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर होते हैं, एक कलेक्शन है, और एरे जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम जो है वो एरे का इसमें जो है वो उसका नंबर्स साइज डिफाइन करते हैं। तो जो साइज डिफाइन कर रहे होते हैं वो आपका होता है एम। ठीक है, तो जो ये नंबर्स आ गए, ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं कीज, जो कि यहाँ पे के से डिनोट हुआ हुआ है, और जो एरे का साइज होता है वो हमारा कहलाता है एम। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हैश टेबल। सही है, हमें कुछ नंबर्स को यहाँ पे ऐड करवाना है, और उसको कौन से मेथड से करवाना है, जैसे कि हमारे पास मेथड आ गया कोलिजन का, ओ सॉरी कोलिजन कह रही हूँ, डिवीजन का मेथड। ठीक है, तीन मेथड से ऐड हो सकता है, डिवीजन, फोल्डिंग, मिड स्क्वायर, लेकिन इन मेथड्स के अलावा भी और मेथड्स होते हैं जिनका मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिवीजन पढ़ा है और दो नाम और पढ़े थे। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास एक एरे आ गया। ठीक है, इसको हम एरे कहते हैं, एरे आ गया। ठीक है, इसका जो साइज है वो क्या है, 10 है। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू 10 है। सही है, अब हमारे पास आगे हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या था, एच के आई
इज इक्वल्स टू के आई मॉड एम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डिवीजन मेथड का। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया डिवीजन मेथड का। और उसके अलावा हम कुछ कीज ले लेते हैं, सही, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 और ले ली, और 26 ले ली, 6 और 26 दो ले ली। अब हमें इन 6 और 26 को इसमें ऐड करवाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहला नंबर 6 है उसको हमने 0 पे ऐड करवा दिया, दूसरा नंबर 26 है उसको 1 पे करवा दिया, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता है। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी की है ना 6, इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एच 6 आ गया इज इक्वल्स टू 6 मॉड 10। सही है, इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर 6। अब ये जो इसका आंसर आया है ना 6, गौर से सुनिएगा, ये जो इसका 6 आंसर आया है इसका मतलब है कि ये जो 6 आया है ये इंडेक्स का नंबर आया है। क्या कर रहा है ये, डिवीजन मेथड जो है वो हमें एड्रेस लोकेशन देता है, नहीं M9 क्यों होगा, हमारा जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाएगा, लेकिन अगर हम एरे की लेंथ देखें तो एरे की लेंथ 10 होती है। आपको अगर याद हो तो जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं हमेशा हम जब भी उसकी लेंथ लेते हैं तो वो 10 ही देता है, वो 9 नहीं देता है। तो इसलिए 0 से 9 तक इंडेक्स एरे में होता है, लेकिन जब हम उसकी टोटल लेंथ लेते हैं तो वो 10 होती है। बैक टू द टॉपिक, अब इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये जो डिवीजन मेथड है ये हमें देता है कि हमारी जो की है वो किस एड्रेस पे स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, हम अपनी मर्जी के एड्रेस में किसी भी की को नहीं डाल सकते, डिवीजन मेथड के जरिए हम की का जो है वो एड्रेस लोकेशन मिलती है। अब यहाँ पे हमें एड्रेस लोकेशन क्या मिली है, 6, यानी 6 जो है एरे में, जो 6 है यहाँ पे 6 हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात, 6 हमारा ऐड हो गया। अब हम दोबारा से 26 को भी इसी फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, और अगर आप 26 को भी सेम इसी फॉर्मूले से करते हैं तो इसका आंसर जो है वो भी 6 आएगा। ठीक है, क्या आ गया, ये तो हमारा 6 आया आंसर, इसको हमने 6 पे स्टोर करवा दिया। फिर जब हमने 26 की पे डिवीजन मेथड अप्लाई किया इसका आंसर आ गया 6। अब जब हमने इसने 26 की एड्रेस लोकेशन दे दी 6, और जब हम 6 पे गए 26 की ऐड करने, तो हमने देखा कि वो ऑलरेडी फिल्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब जो इस तरह से हो जाता है ना कि आप उस लोकेशन पे जाएं और वो लोकेशन ऑलरेडी फिल्ड हो, ये वाला प्रोसेस कहलाता है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन आ जाती है कि जब आपके दो नंबर, दो या दो से ज़्यादा कीज की एड्रेस लोकेशन सेम आ जाए तो अब क्या करें हम। ठीक है, तो इसके कोलिजन जो होती है वो हमारी हैश टेबल में दो तरह की कोलिजन्स होती हैं, मतलब सॉरी कोलिजन्स नहीं, दो तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोलिजन इसको हम सॉल्व करते हैं, एक होती है ओपन हैशिंग। ठीक है, ओपन हैशिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है, सॉरी इसकी एक ही टाइप होती है चेनिंग, फिर हमारा जो है वो दूसरा आता है क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है, इसकी होती हैं तीन टाइप्स, लीनियर, प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग। ठीक है, तीन होती हैं, तो ये होती हैं कोलिजन, कि हम जब हमारे पास कोई कोलिजन आए
तो हम इन चार मेथड से उस कोलिजन को सॉल्व कर सकते हैं, चेनिंग से, लीनियर प्रोबिंग से, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से, डबल हैशिंग से। ठीक है, हमें टीचर ने जो है वो ओपन हैशिंग क्लोज हैशिंग वाली बात नहीं बताई, उन्होंने जस्ट हमें दो टाइप्स पढ़ाई हैं, एक टाइप पढ़ाई है चेनिंग, एक टाइप पढ़ाई है लीनियर प्रोबिंग। लेकिन जब उन्होंने वॉइस मैसेज बोला था तो वॉइस मैसेज पे उन्होंने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की भी बात करी थी कि हैशिंग में जो है वो लीनियर आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, चेनिंग आ जाता है। तो कोर्स में ऐड नहीं है क्वाड्रेटिक, लेकिन मैं फिर भी अगर बोलें तो क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगी। डबल हैशिंग भी मैं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ ली थी। अगर आप लोग बोलें तो क्वाड्रेटिक और डबल भी पढ़ा दूंगी, वरना हम चेनिंग और लीनियर पे ही स्टिक करेंगे। सही है, क्वाड्रेटिक तक पढ़ लेंगे, डबल हैशिंग फिर बहुत ज्यादा है वो। अच्छा, तो ओपन हैशिंग का दूसरा नाम, मतलब ओपन हैशिंग को जो है वो हम क्लोज एड्रेसिंग भी कहते हैं, क्लोज एड्रेसिंग। और जो क्लोज हैशिंग है इसको हम कहते हैं ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्लोज है तो उसको हम ओपन एड्रेसिंग कहेंगे, और ओपन है तो हम उसको क्लोज एड्रेसिंग कहेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले करते हैं ओपन हैशिंग पे। सही है, तो ओपन हैशिंग चेनिंग के थ्रू। सही है। अच्छा, एक और बात, आपको जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फॉर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा आ रहा है सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग डिवीजन मेथड एंड क्लोज्ड एड्रेसिंग। सही है, और इन्होंने कुछ कीज दे दी हमें, कीज हमारे पास आ गई 3, 2, 9, 6, 11, 13, 7, 12। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हमें, अच्छा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यूजिंग डिवीजन मेथड एंड क्लोज एड्रेसिंग। क्लोज एड्रेसिंग यानी ओपन हैशिंग, ओपन हैशिंग की एक ही टाइप होती है चेनिंग। तो इन शॉर्ट वो कह रहा है कि इसको चेनिंग मेथड से सॉल्व करो। सही है। अच्छा, अब टीचर ने क्योंकि ये हैशिंग, ओपन हैशिंग क्लोज हैशिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो सिर्फ लिख दें कि इसको चेनिंग से सॉल्व करो, या लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व करो, या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से सॉल्व करो। दूसरा ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, हो सकता है टीचर ना दें कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, वो सिर्फ बोलें कि इसको सॉल्व करो। तो अगर सॉल्व करना है तो लाजिम है कि आपने डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है, कंपलसरी है डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। नहीं, डबल हैशिंग नहीं पढ़ाया है मिसने, ना डबल हैशिंग पढ़ाया है, ना क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पढ़ाया है, सिर्फ चेनिंग और लीनियर पढ़ाया है। अच्छा, ये आ गया क्लोज एड्रेसिंग, या ऐसे भी आ सकते हैं कि ओपन हैशिंग से सॉल्व करें। अच्छा, अब इसके साथ ना क्वेश्चन में एक और चीज आई है। ठीक है, एक और चीज आई है, वो चीज क्या आई है, हैश फंक्शन। तो ये कहलाता है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। ये हमारा आ गया हैशिंग फंक्शन, आप लोगों को नजर तो आ रहा है ना। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि डिवीजन मेथड और क्लोज एड्रेसिंग यानी चेनिंग से सॉल्व करो उसको। फिर उन्होंने कीज दे दी 3, 2, 9, ये टोटल 8 कीज हैं। और फिर हैश फंक्शन दे दिया, और इन्होंने वो भी बताया है कि हमारे एरे का साइज क्या है। एरे का साइज इन्होंने बताया है 10 है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हम 3 को जो है वो डिवीजन मेथड के इस फॉर्मूले में रखेंगे, फिर उसका जो एड्रेस निकल कर आएगा उसको एरे में ऐड कर देंगे। फिर 2, 9, 6 सारे 8 कीज के साथ हम यही करेंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा करते हैं अगर आपके पास हैश फंक्शन ना हो।
अगर आपके पास हैश फंक्शन ना हो तो आपने क्या करना है, सिंपली एक एक की को डिवीजन मेथड में रख के उसको एरे में ऐड कराते रहना है, ठीक है? फिर जब कोलिजन आएगी तो वो हम चेनिंग में ही देखेंगे कि कोलिजन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे हैश फंक्शन दे दिया है तो हैश फंक्शन से सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट होता है, ठीक है? सिंपली क्या करना है आपने, एक जैसे थ्री की आ गई, ठीक है, थ्री की के साथ अब क्या करना है? सही है, थ्री की आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये जो हैश फंक्शन है ना इसमें हम थ्री नंबर रखेंगे, ठीक है? तो थ्री हमारा क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय के, के क्या है हमारा की जो कि थ्री है, प्लस थ्री, ठीक है? तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, सही है? तो हमारी की अभी ये क्या आ गया, नाइन आ गया नंबर, यानी ये क्या आया, के, के जो है वो हमारा नाइन आ गया। अब जो हमारा ये नाइन नंबर निकल कर आया है ना, इसको हम जो है यहाँ इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि हमारा फिर क्या हो जाएगा, नाइन मॉड टेन, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा नाइन, ठीक है? समझ आया, कोई मसला यहाँ पे? कि हमने सबसे पहले एक की, यानी कि जो फर्स्ट की है इसको लिया, इसको हमने हैश फंक्शन में रखा, हैश फंक्शन से जो आंसर आया वो हमारा के आया, फिर उस के को हमने डिवीजन मेथड में रख के सॉल्व किया तो हमारा एड्रेस क्या आया, नाइन आया। तो यानी ये जो थ्री नंबर है, इस थ्री नंबर का जो एड्रेस है वो नाइन है, हम यहाँ पे लिख देंगे थ्री। अगर कोई मसला है तो बताइए। नहीं है, ओके, सही है। अब इसी तरह से ये जो नंबर टू है, इस नंबर टू को हम करेंगे, सही है? ये हमारी की थ्री के लिए हो गया, की टू के लिए भी हम यही करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस थ्री, ठीक है? इसको काम करते हैं, ब्रैकेट करते हैं, मॉड टेन, और इसका आंसर हमारे पास आएगा सेवन, ठीक है? तो सेवन पे जो है वो हम की टू रखेंगे। अगर समझ आ गया तो बता दें, ताकि फिर मैं एक एक करके सारी कीज को ना सॉल्व करूं, डायरेक्ट हम अपनी कोलिजन पे आ जाएं। कर लेते हैं सर, की नाइन जो है, की नाइन का जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वो हमारे पास आएगा वन, सही है? की सिक्स का हमारे पास आंसर आएगा फाइव। अच्छा, जो नाइन थी हमारे पास की, उसका वन आया है तो यहाँ पे हमारा नाइन आ जाएगा, और जो सिक्स था उसका फाइव आया है तो यहाँ पे हमारा सिक्स आ गया, ठीक है? अब हमारा आती है की इलेवन, की इलेवन इज इक्वल्स टू, इसका पास हमारे पास आंसर आया है फाइव, ठीक है? हमारे पास की थ्री का आया था नाइन, हमने नाइन पे इंडेक्स पे जो है थ्री लिख दिया, फिर की टू का सेवन आया, सेवन पे जो है वो हमने टू लिख दिया, इलेवन का आंसर फाइव मॉड करके आया, मतलब के टू मल्टीप्लाई बाय इलेवन प्लस थ्री, फिर उस पूरे को सॉल्व करने के बाद मॉड टेन किया तो इसका आंसर फाइव आया, ठीक है? फाइव आया। ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में रख के सारे एड्रेसेस निकालने हैं, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं ये वाला दोबारा से रिपीट नहीं कर रही, मैं जस्ट इसके एड्रेस लोकेशंस लिख रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, तो हमारे पास सिक्स पे फाइव आया, हमने फाइव एड्रेस लोकेशन पे सिक्स की रख दी, इलेवन पे जो है वो हमारे पास फाइव आया। अब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया कोलिशन, ठीक है? यहाँ पे आ गया हमारे पास कोलिशन। अब इस कोलिशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्योंकि चेनिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे बन जाएगी एक चेन, ठीक है? चेन कैसे बनेगी, चेन कुछ यूं बनेगी कि यहाँ से एक यूं लाइन निकलेगी इस तरह से हो जाएगा, और हमारी की क्या थी,
11, ये आपका होता है चेनिंग मेथड, ठीक है, ये आपका होता है चेनिंग मेथड। अभी हम इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं, और कोलिजन्स होंगी तो और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब हमारे पास और 11 हो गई, 13 की का जो एड्रेस लोकेशन है, 13 की एड्रेस लोकेशन है हमारे पास 9, ठीक है। अब देखें 13 की पे भी 9 आ गया, जबकि 9 पे ऑलरेडी 3 था। अब हम दोबारा से एक चेन बनाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। अच्छा, ये जो हम चेन बना रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा लिंक लिस्ट की तरह, ठीक है। तो हम इसको एज अ एक लिंक लिस्ट ही कह देते हैं कि ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक छोटा सा इसको एक लिंक लिस्ट की तरह ही बना देते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। 9 हो गया, सॉरी 13 हो गया। अब हमारे पास दो कीज बची, 7 एंड 12। 7 की एड्रेस लोकेशन हमारे पास 7 है। देखें 7 पे 2 था, तो अब हम दोबारा से एक चेन बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, 7 लिख दिया, माफ करिएगा मेरे 7 को, ऐसा आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट की बची है, जो कि है 12। 12 की जब हमने फॉर्मूले से पूरा सॉल्व किया, पहले हैश फंक्शन में रखा, हैश फंक्शन के बाद हमने उसको डिवीजन मेथड में रखा, तो इसका आंसर आया 7, ठीक है। अगेन 7 आ गया, कोई बात नहीं। अगेन हम एक चेन बनाएंगे, और इसमें 12 को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका चेनिंग मेथड हो गया कंप्लीट। और अगर हम इसका ऑर्डर बताना चाहें कि किस ऑर्डर में हमारा ये वाला एरे प्रिंट होगा, तो मैंने जिस एग्जाम्पल में देखा था उसमें इन्होंने ऑर्डर बताया नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से ऑर्डर इस तरह से आएगा कुछ कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारे पास 0 क्या है, 0 ब्लैंक है। अगर 0 ब्लैंक है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के डायरेक्ट 9 लिखेंगे, 9 के बाद ये सारे ब्लैंक है, फिर आप 6 लिखेंगे, फिर 11, फिर ब्लैंक को ऐसे छोड़ देंगे, नहीं। ब्लैंक जब होता है तो आप एक इसमें वो डाल देते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये अंडरस्कोर होता है ना, हाँ अंडरस्कोर एक डालेंगे, कॉमा, 9 आ गया, कॉमा अंडरस्कोर, कॉमा अंडरस्कोर, यानी कि ये ब्लैंक है, ब्लैंक आ गया, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 6 आया, फिर उसके बाद हमारे पास 11 आया, फिर ब्लैंक आ गया, फिर 2 आया, 7, 12, ब्लैंक, 3, 13, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर आएगा इस वाले हैशिंग हैश टेबल का, क्लियर। अगर कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो मुझे दोबारा बता दे, मैं रिपीट कर दूंगी। नहीं करनी, चलें सही है। ये हमारा हो गया ओपन हैशिंग, यानी कि क्लोज एड्रेसिंग, इसका चेनिंग मेथड, सही है, रिपीट कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास हैश टेबल में एक हमें क्वेश्चन आया सॉल्व करने के लिए, कि ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें डिवीजन मेथड से एंड क्लोज एड्रेसिंग। क्लोज एड्रेसिंग हमने कोलिजन के दो टाइप्स पढ़ी, ओपन हैशिंग जिसको क्लोज एड्रेसिंग कहते हैं, इसकी एक ही टाइप होती है चेनिंग, और दूसरे की हमने अभी टाइप्स नहीं पढ़ी। और डिवीजन मेथड का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, और इसने हमें कुछ कीज दी और हमें साइज बताया एरे का, ये साइज है 10, और इस 10 में ये 8 कीज को इंसर्ट करना है यूजिंग दिस हैश फंक्शन। तो हमने क्या करना है कि सिंपल एक एक की को, सबसे पहले 3 आ गया, तो 3 को हमने हैश फंक्शन में रखा, हैश फंक्शन से जो हमारा आंसर आया वो हमारा के बना, उस के को, उस के की वैल्यू को हमने इस डिवीजन मेथड के अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद जो है वो हम इस तरह से सॉल्व करते गए, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया, हमारे पास हैश फंक्शन था 2 मल्टीप्लाई बाय की, हमारे पास 3 थी, प्लस 3, और फिर जो आंसर आया, जो कि हमारे पास 9 आया, उसको mod 10 कर दिया, तो उसका आंसर 9 आ गया, ठीक है। तो 9 क्या है, वो हमारी एड्रेस लोकेशन है, सही है।
जो हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं वो हमेशा हमें उस लोकेशन देता है कि इस की को हमने किस लोकेशन पे ऐड करना है। ठीक है, हमने एक एक करके सारी लोकेशन को ऐड कर दिया। जहाँ पे कोलिजन आई, कोलिजन का मतलब कि एक ऐसा एड्रेस लोकेशन आई जो एड्रेस लोकेशन हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि वो एड्रेस लोकेशन फिल्ड है ऑलरेडी। ऐसा एक हमारे पास आ गया एड्रेस लोकेशन, तो हम क्या करेंगे? तो चेनिंग का होता है कि हम उसको एक चेन की तरह बना देते हैं। एक चेन बनाई, फिर हमने वो एलिमेंट की ऐड कर दी, फिर उसी के एड्रेस पे आ गया, फिर हमने एक चेन बनाई और उसको ऐड करवा दिया। तो ये हमारी होती है चेनिंग मेथड से हैशिंग। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया तो बता दे, मैं तीसरी दफा दोबारा से रिपीट कर दूंगी। अच्छा खैर, ये वाला समझ आ गया, लेकिन मुझे जरा ऊपर करना थोड़ा सा। इसमें जो हैश फंक्शन है एच ऑफ के इक्वल्स टू के प्लस थ्री, तो ये कांस्टेंट है या फिर ये हमें दिया हुआ होगा? क्या सीन है, ये क्योंकि मैं दिया अभी हुआ लेट आया होगा, हूँ ये लेकिन। कांस्टेंट नहीं है, ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट आ सकता है। डिवीजन मेथड ठीक है, का जो और फॉर्मूला है ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, और ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है, मुझे जरा इसका बता दो किस तरीके से रिलेट कर रहा है। जैसे ये हमें दिया हुआ होगा हैश फंक्शन का फॉर्मूला टू हाँ के प्लस थ्री, हाँ उसको हमने डिवीजन मेथड पे कैसे लिंक करना? उस पर हमने डिवीजन मेथड पे ऐसे लिंक करना है कि हमने सबसे पहले एक की ली। ठीक है, इस की को, की क्या है? ये हमारे पास के है। इस हैश फंक्शन में हमारे पास के अननोन है, तो जो की है ये थ्री आ गई, तो हमने के की बजाय थ्री को रख के उसको सॉल्व किया। जैसे टू, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 जो है वो हैश फंक्शन का है, के जो है वो हमारी की है यानी कि 3, और प्लस कर दिया, 3 से क्या आया? 9। अब हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई के की वैल्यू। अब हमारे पास ये जो डिवीजन मेथड है इस पे भी एक के की वैल्यू है और एक एम है, तो के की वैल्यू हमारे पास हैश फंक्शन से फर्स्ट की 9 आ गई, मोट लिखा, और फिर जो एम है वो हमारे पास जो है एरे का साइज है जो कि गिवन होगा। तो इसका जो साइज है 10 था, हमने 9 मोड 10 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया 9। 9 यानी जो हमारे पास ये की 3 है इसका एड्रेस लोकेशन आ गया कि एरे की इस एड्रेस लोकेशन पे इसको सेव करवा। वेलकम। सॉरी, थैंक यू। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं लीनियर प्रोबिंग की तरफ। चेनिंग से हमने कर लिया, अब सेम इसी क्वेश्चन को हम लीनियर से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को लीनियर से इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला सेम, लीनियर में कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होती। लीनियर में जब कोलिजन आता है सिर्फ उसका मेथड डिफरेंट होता है, बाकी कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होती। सिंपल, आपने जो 3 है 3 को हैश फंक्शन में रखा, उस हैश फंक्शन से जो की वैल्यू निकल कर आई उसको डिवीजन मेथड में रखा और आपने आंसर आया, तो 3 की हमारे पास वैल्यू आई है 9। ठीक है, 9 आ गई एड्रेस। 2 का एड्रेस हमारे पास आया है 7, फिर उसके बाद 9 का एड्रेस आया है हमारे पास 1, फिर उसके बाद जो है वो 6 का एड्रेस आया है हमारे पास 5। ठीक है, और अब हमारे पास ये जो 11 नंबर आया है ना, इस 11 नंबर का आ गया 5। ठीक है, जब इसका एड्रेस आया 5 और हम 5 यहाँ दोबारा से पीछे गए तो हमने देखा अरे 5 पे तो ऑलरेडी एक स्टोर है, अब हम क्या करें? ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम 11 के साथ क्या करें? चेनिंग में तो था, हमने एक चेन बना दी थी, अब लीनियर में क्या करेंगे? लीनियर में ये होता है कि जब उसको यहाँ पे जगह ना मिले, उसका एड्रेस आया 5 उसको जगह नहीं मिली। ठीक है, उसका एड्रेस आया 5 उसको जगह नहीं मिली, वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, उसको जगह मिल गई, वो वहीं पे सेव हो जाएगा। लेकिन जो आपका आंसर एड्रेस का निकल कर आया था वो आपका हरगिज चेंज नहीं होगा, वो 5 था वो 5 ही रहेगा। लेकिन क्या है, 5 फुल था, वो एक कदम आगे चला गया तो 11 आ गया। ठीक है, समझ आई वाली बात? मतलब हम जो है वो लीनियरली मूव करते हैं। ठीक है, 6 5 इंडेक्स पे उसका आया कि 11 को 5 पे स्टोर करवाओ, 5 पे ऑलरेडी एक की स्टोर थी,
वो एक कदम उसने जो है प्रोब कर दिया, सही है इसको, ये जो होता है ना कि एक आगे बढ़ता है, इसको प्रोबिंग कहते हैं, जब भी इसका नाम है लीनियर प्रोबिंग। 6 को एक आगे गए तो क्या हो गई, 11। 1 एक दफा प्रोबिंग करी, इसको स्पेस मिल गया, ठीक है, इसका ना एक टेबल बनता है, टेबल बना लेते हैं। अच्छे, अगर ये इसको हाँ, सेकंड पोजीशन नहीं मिलती तो फिर ये और एक आगे और जंप जाएगा। करता, जी, एक और जंप करेगा, और अगर लास्ट तक की पोजीशन फिल हो 10 तक की तो फिर फिर जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब लूप में चलेगा, ओके ओके 9 से फिर डायरेक्ट ओके 0। हम इसी एग्जांपल को और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे की लिखते हैं, यहाँ पे लोकेशन लिखते हैं, और यहाँ पे ओके ओके प्रोग्रेस, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसको भी गौर से देखिएगा, इसका टेबल अगर आप लोग एग्जाम में बना लें तो अच्छी बात है, टीचर को पता चलेगा हाँ कि हाँ भाई समझ के बच्चों ने मेहनत करी है। सही है, की क्या आ गई, 3, 2, 9, 6, 11। 11 तक हमने काम किया, इसकी लोकेशन थी। अच्छा, लोकेशन जब आप ऐड करें ना तो पूरा पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, जैसे इसका हमने किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 mod 10, ठीक है, और फिर उसका जो भी आंसर आया, जैसे इस पे आया था 9, तो इस तरह से सॉल्व करिएगा, ठीक है, इस तरह से पूरा पूरा लिख के सॉल्व करिएगा। 11, और ये था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबिंग का कॉलम कैसे फिल करेंगे, जब हमने 3 लिखा था तो हमने स्पेस मिल गई थी, हमने वहीं पे कर दी, तो इसको कहेंगे 1 प्रोबिंग, ठीक है। प्रोबिंग का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, ढूंढना, खोज करना। हमने एड्रेस 9, हमें लोकेशन मिली, सही है, हमने उस 9 इंडेक्स को खोज किया, खोज मिल गया, तो हमने कितनी दफा खोज किया, कितनी दफा उसको प्रोब किया, 1 टाइम 1 लिख दिया। 2 का भी 1 था, इसका भी 1 था, 6 का 1 था, 11 को जब हमने 5 पे फाइंड किया तो हमें जगह नहीं मिली, तो वो फिर आगे बढ़ गया, तो जब दूसरी दफा उसने खोज की तो उसको मिल गई जगह, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नंबर आ गया 13। 13 का एड्रेस लोकेशन, मैं जस्ट एड्रेस लोकेशन लिख रही हूँ, आप लोग पूरा फॉर्मूला लिखिएगा। 9 आ गया, ठीक है। अब एड्रेस 13 जो है वो 9 पे था, 9 ऑलरेडी जगह फिल्ड है, तो अब ये जाएगा, सही है अशर, जो आपने सवाल किया था, तो ये सबसे हमारे पास लास्ट इंडेक्स है, तो लास्ट इंडेक्स से अब क्या करें, अब ये दोबारा से 0 पे चला जाएगा, 0 पे गया, इसको जगह मिल गई, इसने वहीं पे की को स्टोर करवा दिया, इसकी कितनी प्रोबिंग हुई, 2। अब हमारे पास नंबर आ गया 7, 7 का हमारे पास आया है 7, ठीक है, 7 आ गया। अब 7 पे ऑलरेडी 2 स्टोर था, तो ये फिर एक कदम आगे बढ़ गया, इसको जगह मिल गई, हो गया, इसकी प्रोबिंग कितनी हो गई, 2। अब हमारे पास लास्ट नंबर आ गया 12, 12 के एड्रेस लोकेशन है 7। अब हम आए 7 पे, जगह नहीं मिली, एक प्रोबिंग करी जगह नहीं मिली, सेकंड प्रोबिंग कर ली, सेकंड प्रोबिंग करी जगह नहीं मिली, थर्ड प्रोबिंग कर ली, थर्ड प्रोबिंग करी जगह नहीं मिली, फोर्थ प्रोबिंग कर ली, फोर्थ प्रोबिंग करी स्टिल जगह नहीं मिली, फिफ्थ प्रोबिंग करी, फिफ्थ भी कर ली स्टिल जगह नहीं मिली, तो अब 6 कर ली, 6 जब की जगह मिल गई, वहीं पे स्टोर करवा दिया, तो इस पे हम कितनी प्रोबिंग लिखेंगे, 6। अब इसका ऑर्डर हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, कि किस ऑर्डर में ये हमारा प्रिंट होगा, एरे 9 1 12 ब्लैंक ब्लैंक 6 11 2 7 3। मीटिंग एंड हो तो इसी मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लिएगा, सही है। तो ये वैसे टू की पे 7 नहीं आना चाहिए तुम्हारी की और लोकेशन के हिसाब से देखो तो। टू की पे 7 होना चाहिए,
मतलब अजन तुम्हारी जो लोकेशन है कौन सी वो 7 की बन रही है ना. हाँ देखो जैसे तुमने ये 9 का 1 डाला हुआ है तो ये 1 पे तो तुमने 1 ही डाला हुआ है. मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये लोकेशन है, क्या ये रिलेशन बन रहा है इसमें. अजन 3 पे 9 है, 9 पे 3 है तो लोकेशन 9, लोकेशन 9 है, की 3 है. लोकेशन 9 है, की 3 है. मतलब ये जो है ये सारी हमारी कीज हैं, हमें इस इन कीज को एरे में कौन सी लोकेशन पे स्टोर करवाना है उसके लिए हम ये फॉर्मूले का